मत रो यार, क्यों रो रहे हो, मत रो ना यार। हेलो दोस्तों, मैं विकास, मैं बीमू, एंड स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर एमसीएस बिम्बिक पर। दोस्तों, आपसे पहले इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखे ही होंगे कि मैंने बताया था कि मेरे पापा ने मुझे कॉल करके घर से निकलने के लिए कहा हुआ है। तो हमने आपको बताया था कि जब लॉकडाउन खुलेगा तो हम यहाँ से चले जाएंगे, और इसी बीच में कभी कॉल नहीं किए थे पापा जी, और आज कॉल किए थे और कॉल करके बहुत सारा गाली दी है मुझको। आपको हम बता नहीं सकते कि कैसा कैसा गाली दी है। हमको बोलो कि तुमको क्या बोला था घर खाली करने के लिए, क्यों नहीं खाली किए हो। तो मैंने बोला कि पापा जी अभी लॉकडाउन है, गाड़ी नहीं चल रहा है प्रॉपर तरीके से, मैं कैसे खाली करूँ, छोटी बच्ची है, बीबी है, इतने सामान है, कैसे ले जाएंगे हम दूसरे शहर जाएंगे। तो बोलता है कि मैं नहीं जानता तुम्हारा कौन है क्या नहीं है, बस तुम घर खाली करो। तो मैंने बोला पापा जी जब तक मैं रह रहा हूँ भाड़े तो दे रहा हूँ, दुगना तिगना पैसा दे रहा हूँ। तो बोलता है कि मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, हम किसी दूसरे किराएदार को देंगे और उससे पैसा लेंगे, लेकिन तुमसे नहीं लेंगे। क्यों रो रहे हो? मैंने बोला पापा जी थोड़ा तो रह के। तो बोले कि तुम कौन हो, मैं तुमको नहीं जानता, नहीं पहचानता। तो मैंने बोला ठीक है पापा जी, फिर जैसे खुलता है बस वगैरह तो मैं चला जाऊंगा। तो बोलता है कि तुम्हारे पास 2 दिन का समय है, 2 दिन के अंदर मेरा घर खाली कर दो। तो इतना कह के पापा जी ने फ़ोन काट दिए। अभी अभी लोग बताओ दोस्तों, मैं अपने पापा जी का बुराई नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं कर रहा हूँ। जो सच्चाई है और जो हकीकत है बस वही शेयर कर रहा हूँ। अभी बीमू शादी में जा रही है, कल चली जाएगी ना, कल जाएगी है, सामान सब खरीद लिए हैं शादी के लिए, और नहीं जाए इससे मैं तो बहुत बुरा होगा। मैं इनको भेज रहा हूँ शादी में, और इसके बाद देखते हैं 2 दिन के बाद पापा जी फ़ोन करते हैं या आते हैं। अगर सामान फेंकने लेंगे मैं यहीं पर रहूँगा, अगर सामान फेंकने, क्योंकि पिछली बार हमारे सामान फेंक दिए थे घर से, घर जब पिछली बार घर से निकाले थे गाँव में तो रात के सामान सारे फेंक दिए थे हमारे। इस बार भी अगर यहाँ पर आया सामान फेंकने लेंगे तो मैं यहीं पर रहूँगा, मैं सामान लेके दूसरे घर में चला जाऊँगा कहीं आजू बाजू में। अगर नहीं आए तो इनका आने का इंतजार करूँगा और फिर यहाँ से चले जाऊँगा। जब मैं आऊँगी वापस तो हम लोग चले जाएंगे दोस्तों। अब जो भी हो हम दूसरे शहर में ही करेंगे, जो काम करना पड़े हमें हम करेंगे और वहीं पर रहेंगे। तो दोस्तों कुछ नहीं है, आप लोगों ने कहा है कि दुख सुख आता रहता है, हंसने का रोने का नहीं, नहीं रहेंगे हम दोस्तों। हमें आप सभी पर ट्रस्ट है, विश्वास है कि आप लोग हमारा साथ देंगे। दोस्तों मैं कुछ भी नहीं गलत बोल रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ सब सच है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँगा ना तो भगवान को साक्षी मान कर कहते हैं, भगवान मुझे नरक में भी बांसने दे अगर मैं एक शब्द भी झूठ बोल रहा हूँ। तो ये बात शत प्रतिशत सच है दोस्तों कि आज मुझे पापा का फ़ोन आया और बोला और बहुत गाली दिए और बोला कि घर जल्द से खाली, तुम्हारे पास 2 दिन का टाइम है। इतना बुरा बुरा गाली दिए दोस्तों कि आप लोग सोच भी नहीं सकते, बहुत गंदा गंदा गाली दे रहे थे ना। और ये पापा जी का पहले बार का नहीं है और ये पापा जी का पहले बार का नहीं है दोस्तों। ये इतना जब से कॉल किए हैं पापा जी तब से ये इतना रो रहे हैं, लेकिन दोस्तों इनको सर्दी हो गया है। हम दूसरे शहर में जाएंगे दोस्तों, मुझे जो भी काम मिले वहाँ पे, ईट ढोना पड़े, पत्थर ढोना पड़े, जो भी काम करना पड़े मैं इनको अकेले नहीं करना दूंगी दोस्तों, मैं भी करूंगी। नहीं मैं अकेला करूंगा, नहीं मैं भी करूंगी, मैं अकेला करेंगे, मैं अकेला करूंगा, जो करना पड़े करूंगा। ये कभी इस तरह के काम नहीं किए दोस्तों, इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा है इस तरह के काम से। जब हम साथ होंगे तो शायद कर ले, तो हम साथ में करेंगे दोस्तों। आप लोग भी सपोर्ट करते रहे हमें इसी तरह से। हमें पता है हम उतना तो नहीं कमा पाएंगे, खुद का घर ही खरीद लेंगे, लेकिन इतना जरूर कर पाएंगे, जहाँ भी रहेंगे किराए मकान में भी रहेंगे तो कमा के दो वक्त का रोटी तो जरूर खाएंगे और अपनी बेटी सुहाना को रखेंगे। अपनी बेटी के बारे में भी बोले दोस्तों कि हमारे छोटी बेटी है, बेबी ये कहाँ लेके जाएंगे।
तो बोलता है मैं किसी से मतलब नहीं, कौन हो तुम लोग, मुझे नहीं पता, नहीं जानते तुम लोगों को। पता नहीं दोस्तों हमारा दिन कब बदलेगा, हम कब अच्छे होंगे। फिर भी दोस्तों हम काम करेंगे जो भी हो, और थोड़ा थोड़ा सेव भी करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ताकि सुहाना को हम पढ़ा सके, सुहाना को कुछ अच्छा लाइफ दे सके। कोई ना दोस्तों, आप लोग सैड मत होइएगा, हम नहीं, बस होता है ना जब अपने लोग तकलीफ देते हैं ना दर्द हो जाता है, लेकिन अब आदत पड़ गया है क्योंकि पहली बार नहीं है ना दोस्तों। तो कोई ना, अभी आप अच्छे से जाइएगा, खुशी से शादी अटेंड कीजिए, कुछ नहीं है, शादी करके आइए। अगर इस बीच में पापा आ गए सामान फेंकने लगेंगे तो हम उठा लेंगे, ठीक है? आप जाइए शादी। तो अच्छा पता नहीं दोस्तों मुझे जाने का भी मन नहीं कर रहा है। नहीं आप जाइए, क्योंकि पता नहीं पापा जी 2 दिन का टाइम दिया है, 2 दिन बाद चलाना आए पापा जी। अगर आ गए तो सब 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 चीज़ फेंकने लगेंगे और मैं इसमें नहीं रहूँगी, इस वक्त नहीं, अकेले रहेंगे। मुझे जाने का भी मन नहीं कर रहा, बट ये बहुत जिद कर रहे कि जाओ कि जाओ, अब सब सामान खरीद लिए तो जाओ, हमने पैकिंग वगैरह भी कर लिए है दोस्तों। आप जाओ और खुशी खुशी जाओ, कुछ नहीं, पापा का तो आदत ही है, हमारे साथ ऐसा ही करते आए हैं, एक बार थोड़ी ना, पहली बार थोड़ी ना है, तो छोड़िए, हम पहले नहीं हैं जिसके पापा ऐसे हैं। पता है ना, हमारे कमेंट पढ़ते हो ना आप, कितने लोग अपने स्टोरी कहा है कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, तो हम पहले नहीं हैं तो कहीं क्यों दुखी हो रहे हैं? कुछ नहीं होगा, हम कमाएंगे, जी तोड़ मेहनत करेंगे, खूब कमाएंगे, अपने बेटी को अच्छा जीवन देंगे, हाँ। परवरिश देंगे, हम खूब मेहनत करेंगे, यूट्यूब पर भी और ऐसे भी जो काम मिले, हम अभी लॉकडाउन में जो काम मिले हम वही कर लेंगे, किसी दुकान में हो कहीं पे हो वहीं पर कर लेंगे, कुछ ना मिला तो हम कंस्ट्रक्शन में काम कर लेंगे, लेबर का काम कर लेंगे। और हाँ दोस्तों, आप लोग भी हमारा साथ मत छोड़िएगा, आप सबसे बहुत उम्मीदें हैं। हम जो भी काम करेंगे दोस्तों आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे, वीडियो जरूर बनाएंगे, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा हमें प्यार दे रहे हो, प्लीज इसी तरह हमें प्यार दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बस आज जो हमारे साथ हुआ वही शेयर किया, मत रोइए, क्यों रो रहे हो, मत रो ना यार।